इंडियन नेवी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद अब हेलीकॉप्टर कैरियर बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। इंडियन नेवी के पास इस वक्त INS जलसवा के नाम से सिर्फ एक लैंडिंग डॉक मौजूद है जो कि 6 हेलीकॉप्टर को कैरी कर सकता है और ये USA से लिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। लेकिन इंडियन नेवी को ऐसे 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की जरूरत है जो कि इंडिजीनियस सभी नेवियल हेलीकॉप्टर को फ्यूचर में कैरी कर सके, और इसके लिए DAC की तरफ से 4 LPD को अप्रूवल बहुत पहले ही दिया जा चुका है और 2021 में RFI भी रिलीज किया जा चुका है और इस पर अब चीज़ें मूव होते हुए दिख रही हैं और इसके लिए नेवी को अब फ्रेंच ग्रुप की ओर से असिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया है। इस LPD को हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर, सिप बॉर्न अनमैंड एरियल सिस्टम और एटलिस्ट 900 ट्रूप को कैरी करने के लिए बनाया जाएगा जो कि 32 सर्फेस टू एयर मिसाइल और 16 ब्रह्मोस से इक्विप्ड होगा।